आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के एक बेहतरीन बैट्समैन और विकेट कीपर के बारे में, जिनका नाम है केएल राहुल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केएल राहुल के लाइफस्टाइल के बारे में, उनके करियर की शुरुआत कहां से हुई, उनकी एज, नेटवर्क। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको केएल राहुल पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केएल राहुल का पूरा नाम है कन्नौट लोकेश राहुल। केएल राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को मैंगलोर कर्नाटक में हुआ और फिलहाल राहुल 30 साल के हैं। बात करें केएल राहुल की फैमिली के बारे में तो उनके पिता का नाम है केएन लोकेश, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक में प्रोफेसर हैं। केएल राहुल की माँ का नाम है राजश्री और वो मैंगलोर की यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री प्रोफेसर है। केएल राहुल की एक बहन भी है जिसका नाम है भावना और हाल ही में केएल राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी से शादी की है। केएल राहुल के पिता को क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी और वो सुनील गावस्कर के फैन थे। वो अपने बेटे का नाम सुनील गावस्कर के बेटे रोहन के नाम पर रखना चाहते थे, लेकिन गलती से उन्होंने रोहन की जगह राहुल नाम रख दिया। बात करें केएल राहुल की एजुकेशन की तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग NIT के इंग्लिश मीडियम स्कूल सूरतकल से की है। केएल राहुल ग्रेजुएट है और उन्होंने श्री भगवान महावीर जैन यूनिवर्सिटी से BCOM किया है। बात करें केएल राहुल के करियर की तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र से ही कर दी थी। केएल राहुल के पिता को क्रिकेट काफी ज्यादा पसंद था और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी क्रिकेटर बने, इसलिए उन्होंने केएल राहुल को हमेशा से ही क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया। राहुल भी क्रिकेट खेलने में काफी दिलचस्पी दिखाया करते और हमेशा क्रिकेट ग्राउंड पर एक्टिव रहते थे। 11 साल की उम्र में केएल राहुल ने मैंगलुरु सेंट्रल के सेंट एलियोसियस कॉलेज सेनेटरी ग्राउंड और नेहरू ग्राउंड में अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की। जब वो 14 साल के थे तब वो कर्नाटक अंडर 14 और अंडर 16 टीमों में खेला करते थे। 17 साल की उम्र में केएल अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलोर आ गए और उन्होंने कर्नाटक की क्रिकेट अकेडमी से अपने क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की और 2010-11 सेशन में कर्नाटक की तरफ से अपना पहला रणजी मैच खेला। इस टूर्नामेंट में केएल राहुल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग 150 रन बनाए। उनके इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उन्हें साल 2014 और 15 में दिलीप ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला, जहां वो साउथ जोन की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपने मैच की पहली पारी में 185 रन और दूसरी पारी में 130 रन की शानदार पारी खेलकर सभी सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उनकी इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्ट किया गया। केएल राहुल ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2014 में टेस्ट क्रिकेट से की थी और उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, लेकिन इस मैच में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 3 रन पर आउट हो गए और अपने दूसरे मैच में वो सिर्फ 1 ही रन बना पाए। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बेहतरीन पारियां खेली और कई रिकॉर्ड बनाए। केएल राहुल ने अपने ODI करियर की शुरुआत साल 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी। इस मैच में उन्होंने झंडे गाड़ दिए और अपने पहले ही मैच में 100 रन की पारी खेली। केएल राहुल ने अपने T20 करियर की शुरुआत साल 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी। हालांकि अपने पहले मैच में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 0 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल इंटरनेशनल क्रिकेट में 56 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और वो 1800 से ज्यादा रन बना चुके हैं। बात करें IPL की तो केएल राहुल का IPL करियर काफी शानदार रहा। उन्होंने अपने IPL क्रिकेट में खूब रन बनाए और कई रिकॉर्ड तोड़े। केएल राहुल ने अपने IPL करियर की शुरुआत साल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ की थी। हालांकि अपने पहले मैच में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। केएल राहुल IPL में अब तक 109 मैच खेल चुके हैं और वो 3800 से ज्यादा रन बना चुके हैं। केएल राहुल IPL में 4 शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। केएल राहुल IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग का हिस्सा रह चुके हैं और फिलहाल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन हैं। बात करें केएल राहुल के कार कलेक्शन की तो उनके पास BMW X7 है जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा केएल राहुल के पास ऑडी Q7 है जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए है। केएल राहुल के पास लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट भी है जिसकी कीमत लगभग 1.64 करोड़ रुपए है। राहुल के पास BMW 5 सीरीज भी है जो लगभग 70 लाख रुपए की है। केएल राहुल के पास मर्सिडीज बेंज GLS 350D भी है जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए है। बात करें केएल राहुल की इनकम की तो केएल BCCI के A ग्रेड के प्लेयर हैं और उनकी एनुअल फीस 5 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा केएल राहुल कई ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, जैसे प्यूमा, टाटा नेक्सॉन, भारत पे, बोट, रेडबुल, और वो हर ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 40 से 50 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। बात करें केएल राहुल की नेटवर्थ की, तो उनकी नेटवर्थ लगभग 75 करोड़ रुपए है। तो ये थी केएल राहुल की लाइफस्टाइल वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।